हम फिनसिस की कुछ चुनिंदा बेस्ट MIS रिपोर्ट्स आपको दिखाने वाले हैं, बट जब तक इन्हें आप रेगुलरली यूज नहीं करोगे तो आपको क्या पता क्यों हो। JW मैरियट मुंबई जो, अगर ये हो गया तो क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, और हम साथ साथ आपको दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं अपने दिल की बात कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो फिनसिस में बेस्ट यूज़ हो सकती हैं या होने चाहिए। सिर्फ IT डिपार्टमेंट के लिए ERP नहीं है, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए ERP नहीं है, ERP तो आपके लिए है। मंडे क्या होना चाहिए, ट्यूसडे क्या होना चाहिए, वेडनेसडे क्या होना चाहिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इससे आपने अपने काम को एक बिल्कुल प्रीफिक्स मेन्यू बना दिया, एक कॉम्बो प्लान बना दिया कि भाई ये कॉम्बो में आप कंपनी को चलाओगे तो आपको बहुत मज़ा आ सकेगा। क्या कोई बुराई है इस रिपोर्ट को 30 सेकंड के लिए देखने में? स्टाफ एडवांस रही, फिर क्रेडिटर्स विद डेबिट बैलेंस, किन पार्टीज को मैंने पैसे दे रखे हैं परफॉर्म इनवॉइस के ऊपर या किसी भी वजह से, या इवन माल रिजेक्ट हुआ तो उनका डेबिट बैलेंस आ गया। ऑल फंड्स, कई बार होता है यार कंपनी, तुम तो कह रहे हो एडवांस तक दे हो, तुम कह रहे हो कि बहुत प्रॉफिट है, बट यार पैसे हैं कहाँ, बैंक की लिमिट पूरी चल रही हैं, पैसे कहाँ गए। कई बार पैसे डेटर्स में अटके हुए होते हैं, कई बार पैसे स्टॉक में अटक रहे होते हैं, कई बार फिक्सेड्स आपने अपनी वर्किंग कैपिटल से खरीद लिया होता है, तो फंड्स फ्लो देखना चाहिए। कई बार अगला पॉइंट आता है क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट का। अब रिजेक्शन को अगर मैंने अभी से नहीं रोका, तो रिजेक्शन तो हाथ से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद आता है थर्सडे। थर्सडे हमने दिल बनाया है सेल्स का, आइए सेल्स को डिस्कशन करते हैं। अगर नॉन मूविंग स्टॉक की रिपोर्ट आप नहीं देखेंगे तो क्या सॉफ्टवेयर वाला देखेगा? आप नहीं देखेंगे तो आपका स्टोर वाला भी क्यों देखेगा? वो कहेगा भाई जो है सो है, मैं क्या करूँ, मार्केटिंग वालों की प्रॉब्लम है माल नहीं बिका, प्रोडक्शन वालों की प्रॉब्लम है उन्होंने ज़्यादा बना दिया, मैं तो भैया मेरे तो सिर पर माल पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो यूजलेस है। तो नॉन मूविंग स्टॉक की रिपोर्ट को देखना है और डिस्कस करना है, दैट इज़ अ खास पॉइंट। सी क्लास कस्टमर रिपोर्ट, ये भी देखनी चाहिए। कोई एक वैल्यू बना लीजिए भैया, जो कस्टमर साल में 50,000 का माल, लाख रुपए का माल, 5,00,000 का माल, आपकी भाषा में जो सी क्लास है, उसको लॉजिक हो सकता है, तो वो जो हैं वो कौन है उनको डिस्कस करो। आते हैं फ्राइडे। फ्राइडे पे हमने परचेज डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ें ले ली। अब यहाँ पे हमने कहा और डीप जाएंगे, ऊपर हमने बात कर थी कि कौन से पेंडिंग PO हैं, अब चार लेवल पे देख रहे हैं कि परचेज रिक्विजिशन बन गए, अप्रूव नहीं हुए, इसको डिस्कस करो। सैटरडे तक हम पहुंचे, तो सैटरडे को हम आए, आओ जी सैटरडे को देखें। सैटरडे में आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से देखिए, यहाँ पैकेजिंग प्लांट्स के लिए लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक मोल्डिंग, रबर मोल्डिंग, शीट मेटल के लिए लिखा है। तो हमने कहा भाई पैकेजिंग प्लांट वालों, कि आपको फ्राइडे डिस्कस करनी चाहिए DPR हर मशीन की क्या बना, फिर डिस्कस करनी चाहिए कितना लीनियर मीटर आपका माल बना, कितना बनना चाहिए। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि संगीत भाई, पुनीत भाई, आप हमें बताओ कि फिनसिस के अंदर कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सबसे गजब है, जिनको रेगुलरली देखना चाहिए, या जो हमारे DNA का हिस्सा होने चाहिए। जैसे आप DNA बोलते हो, किस तरह से हम देख सकते हैं हमारी सेल्स को, प्रोडक्शन को, हमारे डाउन टाइम को, अगर हम बेसिक चीज़ें क्या हैं जो हम ज़रूर देखें, हम अपने कंपनी के अंदर उन चीज़ों को कैसे इन्वॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है, और हम फिनसिस की कुछ चुनिंदा बेस्ट MIS रिपोर्ट्स आपको दिखाने वाले हैं। जो मैं बोल रहा हूँ इस सब को हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाल रखा है, और वेबसाइट में इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लाइव देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी टीम को यूज़ करवा सकते हैं। और जब आपको लगे कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी डिटेल ट्रेनिंग मुझे फिर से चाहिए, सपोज़ मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं पता कि भाई रिपोर्ट निकालते कहाँ से, तो उसको आप हमारी टीम से समझ सकते हैं, हमारी टीम से समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट भाई निकलती कैसे है, मेरे को एक बार सिखा दो। तो वैसे आती सबको है, आपकी टीम को आती है, ये बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट्स हैं ERP के, जो हर एक को इम्प्लीमेंटेशन में हमने समझा रखे हैं, बट जब तक इन्हें आप रेगुलरली यूज़ नहीं करोगे तो आपको क्या पता और किसी को क्या पता। अभी रिपोर्ट्स के नाम देख देख कर आपको समझ आ जाएगा, हाँ यार अगर ये हो गया तो क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए अब आप उसके लिए, इसके लिए आपको करना क्या है,
आपने अपने गूगल पे या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर जाइए और सिंपली सर्च करिए बेस्ट MIS रिपोर्ट्स इन फिनसिस ERP। खचास फिनसिस आपको, गूगल आपको अपने आप ही निकाल देगा। तो हमने सेलेक्टेड मेन्यू बना रखा है, भाई ये चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। तो लेटर से हमने इनमें से एक को क्लिक कर लिया और सिस्टम खट मेरे को बता रहा है कि भाई आप किस इंडस्ट्री के हैं, उस इंडस्ट्री के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रिपोर्ट्स कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिन्हें आपको अपनी मैनेजमेंट मीटिंग्स में रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम थोड़ी इस JW मैरियट नाम से इस फैंटास्टिक होटल का भ्रमण करते हैं। जुहू मुंबई में वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ऑफ मुंबई है ये, और हम साथ साथ आपको दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं अपने दिल की बात कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो फिनसिस में बेस्ट यूज़ हो सकती हैं या होने चाहिए। सबसे पहले तो मैनेजमेंट मीटिंग की रिपोर्ट्स और उसके बाद डेली सर्कुलेशन की रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट मीटिंग मतलब जो फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं। तो पहली भैया MD MIS, फिनसिस के अंदर बहुत से MD MIS रूटीन्स हैं, बहुत से ऐसे रूटीन्स हैं जिनको हम MD डैशबोर्ड्स बोलते हैं। तो मेन EXE के अंदर जो MD डैशबोर्ड्स हैं उनको आप यूज़ करें। वेब EXE के अंदर जो डैशबोर्ड्स हैं, अगेन दे आर फैंटास्टिक डैशबोर्ड्स, हमारी टीम उनके लिए आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुकी होगी, तो उस ट्रेनिंग को आप यूज़ करें। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, आपके सिर्फ IT डिपार्टमेंट के लिए ERP नहीं है, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए ERP नहीं है, ERP तो आपके लिए है। अगर सिर्फ आप देखने लगेंगे तो आप देखेंगे कितना फ़र्क आने वाला है आपके मेथोडोलॉजी में, आपकी वर्किंग स्टाइल में, आपके काम में। ये कुछ वाटर बॉडी JW मैरियट मुंबई, आपको पानी की आवाज़ भी पीछे पीछे आ रही होगी। सो अगला एरिया आया ग्राफ्स। फिनसिस में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, हमारी m.finsis वाले लोकेशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफ्स होते हैं, और हमारे आपकी जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप, उनको भी आप यूज़ करते हैं। तो उनको देखकर आप रेगुलरली कुछ डिसीजन ले सकते हैं, तो मेरी सेल क्या चल रही है, मेरी परचेज क्या चल रही है, मेरी कलेक्शन क्या चल रही है, आज किसको सेल हुई, वो सब दिखता है। हर रोज स्टॉक इन हैंड भी थोड़ा सा डिस्कस होना चाहिए, उसकी जो मास्टर समरी है चाहे उसी पर डिस्कशन हो जाए कि भाई हमारा टोटल स्टॉक इन हैंड कितना है। तो वो जो स्टॉक इन हैंड है उसकी वर्किंग पेपर इन लोग के पास रेडी होना चाहिए। भाई स्टॉक मेरा 12 करोड़ है, तो यार ये स्टॉक तो हमारा 10 से नीचे लेना चाहिए, तुम 12 के लिए क्या कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली प्रेशर रहेगा लोगों के ऊपर स्टॉक को करेक्ट रखने पे, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा स्टॉक के ऊपर वर्किंग करने में, उन पर प्रेशर रहेगा उतना माल खरीदने में जितना चाहिए, तो एक्सेस माल खरीदेंगे ही नहीं। डाउन टाइम की रिपोर्ट, मुझे कल की डाउन टाइम रिपोर्ट चाहिए। तो जब हम कल की डाउन टाइम रिपोर्ट मांगेंगे तो डाउन टाइम रिपोर्ट का मतलब कौन सी मशीनें उनकी पहले एलोकेशन आएगी। इस एक रिपोर्ट को मांगने से आपको कल की एलोकेशन उन्हें डालनी पड़ेगी, किस मशीन पर क्या होना है, उस मशीन पर कल क्या हुआ, फिर लेट्स से 720 मिनट की शिफ्ट थी या 480 मिनट की शिफ्ट थी, तो उन 480 मिनटों के अंदर कितने मिनट पुट टू यूज़ हुए प्रोडक्टिवली और कितने मिनट वेस्ट हो गए, ये भी तो जानना ज़रूरी है विद रीजंस। और ERP से चाहिए मेरे को ये रिपोर्ट। तो आपके ERP फिनसिस के अंदर बहुत ही फैंटास्टिक ये टूल्स हैं, इनको यूज़ करना है बस आपने थोड़ा सा, और ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो कर लो भाई। एंड रिजेक्शन, कल की क्या रिजेक्शन है, अब रिजेक्शन को अगर मैंने अभी से नहीं रोका, अगर रिजेक्शन को मैंने अभी से नहीं रोका तो रिजेक्शन तो हाथ से बाहर निकल जाएगी। रिजेक्शन विद रीजंस आमतौर पर होता क्या है अदरवाइज लोगों का, वो रिजेक्शंस डालते ही नहीं है, सिर्फ जो प्रोडक्शन ओके निकली उसको ओके करके आगे चले जाते हैं। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना एक्चुअली मशीन में कितने शॉट्स चले थे या कितने लीनियर मीटर काम हुआ था, कंप्यूटर को तो नहीं पता। अब पता भी है तो उसका रीज़न तो कंप्यूटर पता ही नहीं कर सकता। अब कितनी भी मशीन इंटीग्रेशन कर लो, रीज़न डाउन टाइम का रीज़न क्या था कि भाई माल मुझे टाइम पर नहीं मिला, ये भी तो एक रीज़न हो सकता है, मुझे टाइम पर माल तुम लोगों ने दिया ही नहीं स्टोर वालों ने, तो ये रीज़न तो कोई नहीं बता सकता ना आपको। फोरक्लिफ्ट ख़राब थी इसलिए माल मशीन स्टोर से मशीन तक नहीं पहुंचा, ये भी कोई आपको नहीं बताने वाला। सो दोस्तों, जब तक आप इस रिपोर्ट को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसके बारे में एक जागरूकता ही नहीं होगी भाई मेरे को ये चीज़ देखनी है, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। ये काम करने के लिए जागरूकता सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं ये तो हो गया चलिए मैनेजमेंट मीटिंग का। अब कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन रिपोर्ट्स को हमको
डेली सर्कुलेट करना चाहिए, ओके, डेली सर्कुलेशन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला आपको कि भाई अगर ये आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भाई यूज़ करो, और एक बार में भी सारी चीज़ें शुरू कर सकते हो और एक एक करके भी शुरू कर सकते हो, आपको जैसे कन्वीनियंट हो। आपको लगे हाँ भैया सारी रिपोर्ट्स एक बार में शुरू हो सकती हैं, शुरू एक बार में शुरू कर दो, आपको लगते हैं धीरे धीरे करूँगा तो धीरे धीरे कर दो। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी रिपोर्ट्स, कौन सी चार रिपोर्ट्स डेली सर्कुलेट ज़रूर होनी चाहिए। पहली हुई एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ एसओ पीओ एमआरआर एंड इनवॉइसेस। फिनसिस में वन क्लिक के ऊपर ये रिपोर्ट निकलती है, एसओ पीओ एमआरआर वाली एग्जीक्यूटिव समरी। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि भाई आपके पास कट ऑफ टाइम है 11 बजे तक का, 11 बजे तक पिछले दिन जो कुछ हुआ कंपनी में इन चार मेजर एक्टिविटीज़ पे, क्या नए ऑर्डर आए, कौन से नई शिपमेंट्स हुई, ओके, कौन सी माल अंदर आए, कौन से नए पीओ बने, ये चार डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हो रहे हैं। ऑर्डर बाहर से आ रहा है, शिपमेंट बाहर जा रही है, ऑर्डर पीओ बाहर जा रहा है, इनवर्ड हमारा बाहर से आ रही है, तो ये चार कागज़ अपने क्लियर हैं। इन चार कागज़ों में कोई पेंडेंसी तो नहीं है, बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि हमें ये रिपोर्ट 11 बजे कट ऑफ शेयर करनी है और ये सील हो गई। तो मान लीजिए कोई बंदा कल छुट्टी पे है, कोई बंदा कल काम नहीं कर पाया किसी वजह से, कोई कस्टमर ऑडिट था, ये था वो था, मान लीजिए इनवॉइस तो लाइव होना ही है, मान लीजिए कोई चीज़ ओरली तुमने चेंज कर भी ली, कोई चीज़ तुमने कुछ भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम है भाई, 11 बजे तक का टाइम है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से डेटा डल रहा है वो मैटर मुझे क्लोज चाहिए, उसके अंदर फर्दर कोई गैप नहीं चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी का ये फ़ायदा है। तो अगर आपके यहाँ ये एग्जीक्यूटिव समरी नहीं सर्कुलेट हो रही तो गड़बड़ है, करो सील। इससे आपको वन ईमेल पे, वो ईमेल जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफ द डायरेक्टर उसने सर्कुलेट करनी होगी या समबडी ने करनी होगी, कई जगह एमएलजी टीम फिनसिस टीम भी कर रही होती है। सो एग्जीक्यूटिव समरी हमको ये देखनी है, सर्कुलेट होनी है और देखनी है। देखने से क्या फ़ायदा हुआ, अपने को पता चल गया कंपनी में क्या हुआ। कभी कुछ ऐसा हुआ जो हुआ बट अपने को पता नहीं है तो हम कह देंगे ना गड़बड़ है। फिर पेंडिंग एसओ रजिस्टर, पेंडिंग सेल रजिस्टर, भैया उसके लिए तो कम भाग रहे हैं सेल के लिए, तो कौन सी ऐसे सेल ऑर्डर्स हैं जिनका अभी शिपमेंट नहीं हुआ, तो कौन से ऐसे सेल ऑर्डर्स हैं जिनका अभी शिपमेंट नहीं हुआ, इसकी या तो ईयर टू डेट फाइल या इसकी एमटीडी फाइल, क्रॉस ईयर फाइल, तो ये ज़रूर देखो। इसके अपने फ़ायदे हैं क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि मेरे कौन से ऑर्डर भैया अटके हुए हैं, शिपमेंट क्यों नहीं जा रही। इससे क्या फ़ायदा होगा, सारे सेल ऑर्डर ऑन टाइम डलेंगे। मान लीजिए ऑर्डर आपकी कंपनी में डलता है शिपमेंट वाले दिन, तो पेंडिंग ऑर्डर तो जीरो ही रहेंगे, कोई रिपोर्ट अगर देखेगा नहीं तो आपके यहाँ कुछ भी गलत हो सकता है। तो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स सेम डे डलने चाहिए, फिर कोई ऑर्डर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ऑर्डर राम ने भी डाल दिया और श्याम ने भी डाल दिया तो अपने फिनसिस में दो ऑर्डर डल गए। अब इन्वॉइस बनाने वाला उनमें से किस इन्वॉइस को के अगेंस्ट नॉक ऑफ करेगा, और आपको टोटल प्रोडक्शन कितनी करनी है, डबल प्रोडक्शन करनी है क्या। तो पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट अगर आप डेली देखेंगे तो आपकी ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर दो ऑर्डर होंगे तो दिख जाएंगे आपको। फिर नो ऑर्डर विल बी इनकम्प्लीट। मान लीजिए आपके आप लेबल पैकेजिंग में हैं, आप कॉरोगेशन में हैं, आप कूलर ही बना रहे हैं, आप कोई भी कॉम्पोनेंट बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब उस प्रोडक्ट के अंदर अगर मान लीजिए 10 रो आइटम्स आई और उसमें से 9 को एंटर करके बंदा भूल गया, बाकी एंट्री उसने नहीं करी, तो अब कैसे पकड़ोगे, अब तो भूल ही जाओगे बिल्कुल, वो शिपमेंट ही रह जाएगी, कोई नहीं देखने वाला। तो अगर साथ साथ ये सर्कुलेट हो जाएगी पेंडिंग एसओ रिपोर्ट तो कोई तो हाईलाइट करेगा कि सर ये ऑर्डर डबल डल गया या ये इनकम्प्लीट डल गया, कोई ऑर्डर मिसिंग नहीं होगा, कोई बंदे ने कोई ईमेल आई, फ़ोन आया, उसने ऑर्डर हाँ जी कर दूंगा, व्हाट्सएप आया हाँ जी कर दूंगा, वो हाँ जी के चक्कर में बाकी तो काम हुआ ही नहीं, तो पहले से आप पकड़ लो। फिर करेक्ट एसओ पोजीशन से बेटर डिस्पैच प्लानिंग होगी, करेक्ट है, कोई शेड्यूल मिस नहीं होगा, डिलीवरी डेट भी आप देख रहे होंगे, शिपमेंट जरूरत से पहले नहीं जाएगी और जरूरत से लेट नहीं जाएगी, क्योंकि अब लोगों को दिख रहा है टॉप लेवल तक दिख रहा है, तो लोग इसमें अननेसेसरी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होने नहीं देंगे।
छोटे ऑर्डर भूलेंगे नहीं आप, छोटे ऑर्डर मान लीजिए, एक बोलते ना छोटी प्रोडक्ट का ऑर्डर है, सैम्पल ऑर्डर आया कस्टमर ने, चलो एक काम करो मेरे लिए 3 कूलर भेज दो, या मेरे लिए 100 लेबल बना के भेज दो, 10 डब्बे बना के भेज दो, 1000 भेज दो, रिक्वायरमेंट तो मिलियंस में है, बट अभी आप थोड़ी सी इतनी सी भेज दो। इसमें लॉजिक क्या होता है, वो आपको एक बार टेस्ट करना होता है। तो इस ऑर्डर को अगर आप भूल जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। फिर आता है कि भाई यहाँ पर सैम्पल ऑर्डर्स का क्या हुआ, ये होते हैं पेड ऑर्डर्स। पेड ऑर्डर को तो फिर भी लोग स्मॉल ऑर्डर मान लेते हैं, जो सैम्पल ऑर्डर्स होते हैं उसको लोग भूल ही जाते हैं, उसको सेपरेट एक्सेल में ही मॉनिटर कर रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी गुड। अब अगर आप सैम्पल ऑर्डर को ही टाइम पे शिप नहीं करोगे तो कैसे काम होएगा। इनफैक्ट सैम्पल ऑर्डर के मामले में आपको एक सजेस्ट करूँगा, रियो पैरापैक हमारे क्लाइंट हैं, वो सैम्पल ऑर्डर शिपमेंट के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, उसको आप अमेजोन वगैरह साइट से खरीद सकते हैं, फैंटास्टिक बॉक्स। तो सैम्पल ऑर्डर्स के लिए हम कभी और बात करें। सो डोंट फॉरगेट द सैम्पल ऑर्डर्स, एंड उन सैम्पल ऑर्डर्स का भी 4S सीरीज के अंदर आप सेल ऑर्डर डालिए और उस सेल ऑर्डर के हिसाब से शिपमेंट करिए, क्योंकि अगर आप सैम्पल ऑर्डर को मिस कर जाएंगे उसकी डिलीवरी डेट, तो कस्टमर आपको यही तो देख रहा है कि जिसको टाइम पे सैम्पल भेजना नहीं आता वो बाद में मेन शिपमेंट कहाँ से भेजेगा। एंड अच्छी प्रोडक्शन प्लानिंग, अब आपको पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट दिखेगी तभी तो आप प्रोडक्शन को चेस करोगे, प्लान करोगे कि प्रोडक्शन की शिपमेंट टाइम पे निकले, प्रोडक्शन टाइम पे हो, डिस्पैच टाइम पे हो, क्वालिटी टाइम पे हो, क्वालिटी सर्टिफिकेशन टाइम पे हो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टाइम पे हो। सो पेंडिंग ऑर्डर रजिस्टर इसलिए डेली सर्कुलेट होना ज़रूरी है। अगर कैपेसिटी नहीं है तो जॉब वर्कर से काम कराओगे, कुछ तो करोगे। तो अगर आपके यहाँ पेंडिंग सेल ऑर्डर रजिस्टर रोज सर्कुलेट नहीं हो रहा तो फैक्ट्री कैसे चला रहे हो, और फिनसेस सर सर्कुलेट नहीं हो रहा तो डबल मेहनत क्यों कर रहे हो, सोचिए। सो आइए हम इसकी मदद से एक स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री बनाएं, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बनाएं। इससे अपने इथ वॉज क्या है, आप समझ आ रहे हैं, एज फिनसेस हम लोग का टारगेट ही है भाई आओ एक स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री, जैसे चाइना ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है सिस्टम ड्रिवन होकर, तो आओ हम उनसे भी कुछ सीखें। तो इंडियन इकॉनमी हैज़ बी स्ट्रॉन्गर दैन चाइनीज और एनी इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। सो फिनसेस को प्रॉपरली यूज़ करें और ये प्रॉपरली यूज़ करके आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मेक योर बिजनेस बेटर एंड बेटर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया पेंडिंग सेल ऑर्डर रजिस्टर डेली सर्कुलेट होना चाहिए, उसी तरह सर्कुलेट होना चाहिए पेंडिंग परचेज ऑर्डर रजिस्टर। वेंडर के साथ जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारे डेटा की मैनेजमेंट, वो भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हर रोज़ हमको चाहिए कि हम अपने जो पेंडिंग ऑर्डर रजिस्टर है उसको सर्कुलेट करें, और सेम बेनिफिट जो परचेज ऑर्डर में है, सेल ऑर्डर में है, कि ना तो कोई पेंडिंग ऑर्डर रहेगा जिसका फॉलोअप नहीं हुआ, ना कोई MRR बचेगी। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट है सनबीम, तो सनबीम में तो सिस्टम है जो इनफैक्ट सनल्यूब में शुरू हुआ था, सनल्यूब अभिनय जी का ये आइडिया था कि भाई हर रोज़ आपको सारे वेंडर्स को ऑटो ईमेल भी जानी है पेंडिंग ऑर्डर रजिस्टर। तो अगर आपके लोगों ने MRR नहीं बनाई तो वेंडर ही उन्हें फ़ोन करके कहेगा मेरे भाई बना दे यार, क्यों रिमाइंडर भेज रहा है मेरे को, मैं तो माल भेज दिया तेरे को। सो ऑटोमेशन के अंदर हमें जाना है, ऑटो पायलट में कंपनी को चलवाना है, और उसके लिए ज़रूरी क्या हुआ कि हम लोग कंपनी के अंदर प्रॉपरली पेंडिंग ऑर्डर रजिस्टर को रेगुलरली सर्कुलेट करें। तो स्नैपशॉट ऑफ द रिपोर्ट फॉर कलेक्शन एंड पेमेंट्स, ये भी ज़रूरी है भाई, कल की तारीख में जो मेरे पास पेमेंट्स आई, कल जो मेरे पास कलेक्शंस आई या कल जो मैंने पेमेंट्स करी, उन सारी पेमेंट्स की भी एंट्री फिनसेस में प्रॉपरली हुई या नहीं हुई। देखिए JW Marriott मुंबई जुहू, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ऑफ दिस प्लेस, आज हम आपके सामने इस ट्रेनिंग सेशन को यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप के सम्मुख अपने बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि यू शुड बी एबल टू यूज़ द सॉफ्टवेयर इन अ बेटर वे, इन अ मोर प्रॉपर वे। सो अब आते हैं डेली के बाद वीकली रिपोर्ट्स पे। कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो वीकली सर्कुलेट होनी चाहिए, वीकली वीक में भी हमने ना डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिन फिक्स कर दिया है। JW Marriott मुंबई जुहू, JW Marriott मुंबई जुहू। सो आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से आप अपनी कंपनी में फिनसेस ERP को प्रॉपरली यूज़ करते हुए अच्छी रिपोर्ट्स को रेगुलरली यूज़ करें, रेगुलरली सर्कुलेट करें, उसे अपने DNA का हिस्सा बनाएं। अब आते हैं वीकली रिपोर्ट्स में मंडे।
सो मंडे को क्या होना चाहिए, हमने ना इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स हैं उनको 5-10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, किस किस दिन क्या हो सकता है, या वीक के समझ लीजिए 6 दिन है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप यहाँ देखेंगे, मंडे क्या होना चाहिए, ट्यूसडे क्या होना चाहिए, वेडनेसडे क्या होना चाहिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इससे आपने अपने काम को एक बिल्कुल प्रीफिक्स मेन्यू बना दिया, एक कॉम्बो प्लान बना दिया कि भाई ये कॉम्बो में आप कंपनी को चलाओगे तो आपको बहुत मज़ा आ सकता है। तो आइए हम सबसे पहले मंडे की बात करते हैं। तो मंडे को हमको सबसे पहले शुरू करना है मंडे। मंडे में हमने किया कि भाई कौन से आइटम्स नेगेटिव में हैं, भाई हर मंडे हम तो देखेंगे ही देखेंगे, ऑटोमेटिकली लोगों को पूरा स्टॉक देखना पड़ेगा। एंड एक भी आइटम, हज़ारों में से एक भी आइटम अगर नेगेटिव में है, टारगेट होना चाहिए 0, एक भी आइटम नेगेटिव में है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसका करेक्टिव एक्शन लो, उसका प्रिवेंटिव एक्शन लो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो मैनिपुलेशंस बढ़ती जाएंगी। नेगेटिव्स कभी नहीं हो सकता एक्सेप्ट लॉक ऑफिशियली खोले जाएं या अनऑफिशियली खोले जाएं, या डेटा बैक डेट में एडिट कर दिया जाए, बैक डेट में ऐड एडिट डिलीट कर दोगे प्रॉब्लम्स होंगी। इसके लिए डिटेल्ड एक और हमारा वेब पेज है, इसको आप देखिएगा समझिएगा, उसको हम कभी और किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अगला पॉइंट हुआ, लेट्स से हम पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप इसे प्लास्टिक मोल्डिंग, रबर मोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं और फिनसिस ERP यूज़ कर रहे हैं, कोई और भी ERP यूज़ कर रहे हैं, अब दुनिया का कोई भी और ERP यूज़ कर रहे हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर इन चीज़ों को आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा होना ही होना है, देयर इज नो डाउट कि आपको फ़ायदा ना हो। सो मंडे को आपने सेकंड मांगा कि मुझे वन पेज समरी चाहिए, मेरे पास कितना टन मटेरियल है, वन पेज समरी फिनसिस से आती है, इसे 2-level रिपोर्ट बोलते हैं। फिर मुझे रील विद एजिंग चाहिए, 30, 60, 90 डेज के हिसाब से मुझे रिपोर्ट दिखाइए कि मेरे पास कितनी रीलें हैं और किस रील का क्या रील नंबर है और कितने दिन पुरानी है वो 30, 60, 90। ये रिपोर्ट बनाने में कोई एफर्ट नहीं है, एक क्लिक किया रिपोर्ट, एक मिनट भी नहीं लगता, कुछ रिपोर्ट्स एक सेकंड में आती हैं, कुछ 2 सेकंड में, कुछ 10 सेकंड में, कोई 60 सेकंड ले लेगी, एक मिनट, बट उस रिपोर्ट से क्या होएगा, सब लोग रहेंगे चुस्त कि भाई ये तो इन्फॉर्मेशन हमसे कभी मांगी जा सकती है, और उस इन्फॉर्मेशन को टाइम पे लाने के लिए सब लोग हमेशा दुरुस्त रहेंगे, चालू रहेंगे। सो यहाँ आए हम स्टॉक रिपोर्ट्स, फिर वर्जन 2, जिसमें हम कहेंगे कि भाई सिर्फ 90 डेज से ऊपर वाली मेरे को दिखाओ, 90 डेज से ऊपर वाली रिपोर्ट्स मैं आज देखना चाहता हूँ, जिसकी मदद से मैं समझना चाहता हूँ कि कौन सी रिपोर्ट्स, कौन सी रील्स मेरी 90 दिन पुरानी हो गई। तो जो 90 दिन पुरानी रील्स हैं उनके ऊपर काम करना ही बहुत ज़रूरी है, वही तो माल है जिसकी मैं पेमेंट भी दे चुका और मैं खपा ही नहीं पा रहा, नॉन मूविंग हो गया। आपकी कंट्री में अगर लोकल माल अवेलेबल है तो आप 90 डेज को थोड़ा और नीचे लेके आ सकते हैं, और आपकी कंट्री में अगर लगता है कि जैसे मतलब हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो इंटीग्रल्स ऑफ अफ्रीका में हैं, जिनमें माल ही इंडिया से पहुँचना है, चाइना से पहुँचना है, श्रीलंका से पहुँचना है, तो वहाँ पर वो तो इस 90 डेज को फिर 180 डेज लेके चलते हैं कि यार कौन सी रील है जो 6 महीने में यूज़ नहीं हुई, अगर 6 महीने में यूज़ नहीं हुई तो उनके लिए प्रॉब्लम है, बट इंडिया के में यूजुअली 90 डेज काफ़ी होता है सोचने के लिए। बिट रील रिपोर्ट, हर मंडे हम ये भी देखेंगे कि बिट रील्स का क्या हुआ, बिट रील्स मतलब वो रिपोर्ट, वो रील्स जिनका हमको पार्शल कट हो चुकी, वो रील पार्शल कट हो चुकी है और कट होकर रखी हुई है, तो फुल रील नहीं है। लेट अस से 1000 किलो की एक रील थी, तो 1000 किलो की उस रील के अंदर से हमने पार्शली को यूज़ कर लिया, और वो जो पार्शली रील यूज़ हो चुकी उस बैलेंस रील का, जिसे टोटा कहते हैं, बिट रील कहते हैं, बिट रोल कहते हैं, गुल्ला कहते हैं, वट एवर नेम, तो वो जो पार्शल पार्ट है उसको आमतौर पर प्रोडक्शन वाले, स्टोर वाले, उनके लिए हैंडलिंग की सिरदर्दी है, वो इसको अवॉइड करते हैं आमतौर पर, वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको कैसे देखें, कैसे समझें, वी डोंट हैव द टाइम। तो अब हमें उनको आदत डालनी है कि बस हर मंडे हम बिट रील्स की रिपोर्ट देखेंगे, अगेन फिर पकड़े जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपको पता है कि रील तो पड़ी है 250 टूटी हुई, बिट रील्स 250 है और रिपोर्ट आ रही है सिर्फ 10, 20, 40 रील्स की, तो आप कहोगे भाई बाकी क्यों नहीं डालें, कहोगे ना। एंड रिवर्स आ रही हैं 800 होनी चाहिए, आपका टारगेट है 150-200 का, तो अगर ज़्यादा आ रही हैं तो फिर आप कहोगे भाई या तो तुम इशू की एंट्री डाल नहीं रहे या इशू कर नहीं रहे। तो इन बोथ द केसेस, इट्स अ लॉस फॉर मी।
कॉरुगेशन में कहते हैं एक एवरेज बिट्रिल 200-250 किलो की होती है, क्योंकि 900 किलो वाली भी बिट्रिल है और 90 किलो वाली भी बिट्रिल है। सो अगर मैं एवरेजिंग पे भी जाऊँ और 200-250 किलो भी मानूँ, और अगर आपके पास 100 एक रील मतलब से 50 रुपये के 50,000 की एक रील है या 30,000 की एक रील है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर प्राइस एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड द प्राइस ऑफ द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो यही जो माल है 10,000 का एक टोटा गुल्ला, तो 10,000 इंटू 100 10,00,000। अगला पॉइंट आता है क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट का। अरे भाई, क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट जिसको आपने बैंक को देना है, जिसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, चाहे COGS मेथड के हिसाब से चाहे इंडियन गैप के हिसाब से, तो क्या वो क्लोजिंग स्टॉक सही है? अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ही सही नहीं है, डेट मीन्स या तो कंजप्शन नहीं डल रही, या इनवर्ड नहीं डल रहा, या बिट्रिल नहीं डल रही, हर तरीके से आपके लिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ कंजप्शन प्रॉपरली डलनी चाहिए। और प्रॉपरली कंजप्शन डले, इसको एनफोर्स करने के लिए, डेटा करेक्ट डल रहा है उसको एनफोर्स करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट को हर मंडे डिस्कस करें। जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों को आदत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों को आदत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों को आदत ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक वो सही रखें। तो लोगों के पास जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, तो ये जिम्मेदारी इंसिस्ट करना होगा और इसे डिस्कस करना होगा हफ्ते में एक बार, एवरी मंडे। सो एवरी मंडे वी मस्ट डिस्कस व्हाट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक विद वैल्यू। स्पेशली मैनेजमेंट हैं या प्लांट हेड हैं, उनकी जिम्मेदारी है इस चीज़ को ज़रूर देखें कि व्हाट इज़ माई क्लोजिंग स्टॉक एवरी मंडे। ट्यूसडे आ गए हम इंक्स, एडहेसिव्स या कंज्यूमर्स के ऊपर, रिपेयर मेंटेनेंस के आइटम्स के ऊपर, अदरवाइज उनका तो नंबर ही नहीं आता। काफ़ी कंपनीज में उसका नंबर ही नहीं आता, तो मैनेजमेंट उसे सी क्लास आइटम मान के छोड़ देता है। बट बॉस, कई बार वो 1,000 रुपये का बॉल बेयरिंग पूरी फैक्ट्री रोक सकता है, सिर्फ 1,000 रुपये का बॉल बेयरिंग। तो आइटम मिनिमम लेवल से नीचे कौन सी चल रही हैं, आइटम रीऑर्डर लेवल से नीचे कौन सी चल रही हैं, मैक्सिमम लेवल से ऊपर कौन सी चल रही हैं, इनके लिए ट्यूसडे को मीटिंग होनी चाहिए। प्लीज़ नोट करिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ सर्कुलेशन नहीं बोला, मीटिंग बोला। तो ये रिपोर्ट अपनी रेलेवेंट मीटिंग डे से एक दिन दो दिन पहले तो रेलेवेंट HOD को फिनसिस की रिपोर्ट को भेज देना चाहिए, फिनसिस से PDF बना के या एक्सेल बना के, और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंड ट्यूसडे लेट अस से आवर MD सेठी साहब, तो सेठी साहब हैज़ टू कॉल, ठक्कर साहब हैज़ टू कॉल हिज टीम, आ जाओ भाई आज इस रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे, इन 5 रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर तुमने नहीं भी सर्कुलेट करी तो भाई मेरे पास तो है ही, मैं क्लिक करके मैं भी निकाल दूंगा। सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। इससे फ़ायदे, सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, दिख जाएगा कौन डेटा डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा, स्टॉक पोजीशन लाइव रहेगी, लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि डेटा को लाइव रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MD साहब रिपोर्ट खुद देखते हैं और उस पर रिलाई करते हैं, तो उन्हें समझ आ जाएगा। इशू एंट्रियाँ अगर किसी वजह से कोई मिस हो रही हैं वो भी डल जाएंगी। एक बार इशू की एंट्री नहीं डालते, भैया इन्वर्ट आ गया, बिल पास हो गया, इशू तो डाला ही नहीं। सो दिस इज़ अ पार्शियल यूजेज ऑफ द फिनसिस ERP पावर्स और any ERP। आपके पास दुनिया का कोई ERP हो, XYZ, there could be 100 ERP packages, अगर दिल से आप उसे यूज़ नहीं करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। स्टॉक आउट पोजीशन नहीं होगी, आपकी स्टॉक आउट पोजीशन तभी होती है ना कि प्लानिंग नहीं हुई, माल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गई और माल कब गया है ही नहीं, तो उसको कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? तभी जानोगे, तभी समझोगे जब आप सिस्टम के अंदर इसकी रिपोर्ट्स को रेगुलरली देखोगे। तो MRP रिपोर्ट भी आप चलवा सकते हो, चलवानी चाहिए, हफ्ते में एक बार चलवानी चाहिए। अब आते हैं वेडनेसडे पर। सर, वेडनेसडे आया हमारे अकाउंट्स का दिन, अकाउंट्स वालों को टाइम दे दिया, सब्जेक्ट टू उनकी कोई लास्ट डेट नहीं चल रही GST की, DDS की, तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, अदरवाइज लेट वेडनेसडे। एक घंटे की मीटिंग है, क्या दिक्कत है? एक तो हम डेटर आउटस्टैंडिंग को डिस्कस करेंगे, डेटर आउटस्टैंडिंग के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, कोई एक फॉर्मेट जो आपको पसंद आए। डिटेल ट्रेनिंग आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, और आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो भी आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो ग्रेटर आउटस्टैंडिंग हफ्ते में एक दिन हम ग्रेटर आउटस्टैंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करना, किसको पेमेंट देनी है, किसको नहीं देनी, कितनी देनी है, किसका बिल नहीं आया, क्या प्रॉब्लम्स हैं। स्टाफ एडवांसेस
तो स्टाफ के एडवांसेस हैं उनको भी हम वेडनेसडे देखेंगे, किस किस को कितना एडवांस चल रहा है, जो नॉलेज में है क्या, ऑल इज वेल, एक बार नॉलेज में तो होना चाहिए। चाहे उस रिपोर्ट को एमडी साहब ने 10 सेकंड के लिए देखा और हल्का सा नज़र पे आ गया, सब ठीक चल रहा है, ठीक है, अरे उसको 2.5 लाख का एडवांस है, ये इसे किसने दिया? सर बड़े बाबू जी ने दिया था, छोटे साहब ने दिया था, दिखेगा तो। और मान लीजिए यार उसको मैंने 50,000 रुपये एडवांस दिया था, दिख नहीं रहे इसके नाम में, सर आपने दिए थे, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो सस्पेंस में चढ़ा रखे हैं, समझ गए, सस्पेंस में होगा तो कटना आप भूल जाएंगे, कटेगा ही नहीं। एक साल बाद एम्प्लॉई कहेगा भाऊ जी आपने कब दिए, मुझे तो नहीं याद। नहीं कहेगा वैसे, बट क्या कोई बुराई है इस रिपोर्ट को 30 सेकंड के लिए देखने में, स्टाफ एडवांस रिपोर्ट। इसी तरह इम्प्रेस्ड कि भैया मुझे इम्प्रेस्ड भी देखने हैं, वेडनेसडे वेडनेसडे में इम्प्रेस्ड अकाउंट भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इम्प्रेस दे रखा है। इम्प्रेस्ड कौन सा होता है, ये सैलरी एडवांस नहीं होता, इम्प्रेस्ड होता है जिनको हमने पैसे दिए मार्केट की बाइंग के लिए, मेरे डिफरेंट प्लांट हेड्स हैं उनको, डिफरेंट परचेज मैनेजर्स हैं, डिफरेंट अकाउंट्स के लोग हैं, उनको थोड़ा थोड़ा इंप्रेस दे रखा होता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, तो उसके वो खर्चे कर रहे होते हैं ताकि रोज़ रोज़ एचओ से मांगने ना पड़े पैसे। तो मेरे हर लोकेशन के इंप्रेस अकाउंट्स में कितना पैसा है और उनकी लेजर, तो ईमेल भी होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए ताकि मैं देख सकूँ भाई तूने इसका हिसाब क्यों नहीं दिया, प्रॉब्लम क्या है, भाऊ जी आपके पास खर्चे भेज रखे हैं आप पास नहीं कर रहे, अच्छा मेरे पास है कहाँ है बताओ। सो जहाँ भी गाड़ी अटकी हुई है वो सॉल्व हो जाएगी। डेटर्स विद क्रेडिट बैलेंस बहुत जरूरी है, पार्टी का एडवांस आया पड़ा है, शिपमेंट नहीं गई या शिपमेंट चली गई अप्रूवल के ऊपर, बिल नहीं हुआ, पकड़ो पकड़ो, तो एडवांसेस की रिसीव की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आप काम करेंगे। फिर क्रेडिटर्स विद डेबिट बैलेंस, किन पार्टीज को मैंने पैसे दे रखे हैं परफॉर्म इनवॉइस के ऊपर या किसी भी वजह से, या इवन माल रिजेक्ट हुआ तो उनका डेबिट बैलेंस आ गया, 1,00,000 रुपये का माल आया, 1,00,000 की पेमेंट हो गई, फिर 25,000 का माल रिजेक्ट हो गया, तो वो जो रिजेक्शन हो गई वो जो डेबिट में आप खड़ी है उसका क्या कर रहे हो, पैसे वापस लेके आओ या नया माल खरीदो उसमें एडजस्ट करो। नॉन मूविंग अकाउंट्स, भाई इस फाइनेंशियल ईयर में या लेट्स से पिछले 90 दिन में, पिछले 200 दिन में इस पार्टी का नॉन मूविंग अकाउंट है, क्यों है, क्यों है नॉन मूविंग, देयर सम पंगा, अनलेस वो फिक्स एसेट है, शेयर कैपिटल है जो नॉन मूविंग होते हैं, बट बाकी अकाउंट्स यूजुअली नॉन मूविंग नहीं होने चाहिए। तो यू हैव टू सी, ब्रेन अप्लाई करके आपके अकाउंट डिपार्टमेंट बता देगा सर इस अकाउंट में पंगा है, इन्वेस्टिगेशन करके सॉल्व करिए। कैश फ्लो ऑफ दिस मंथ, सिर्फ कैश कैश, गवर्नमेंट चाह रही है आप बैंक से कैश ज़्यादा ना निकालें, सब डिजिटली करें, कितना कैश निकला, कैश अकाउंट की समरी, कैश अकाउंट की समरी फिंसिस में वन क्लिक में निकलती है, तो कैश अकाउंट में कितना निकला कैश और कितना खप गया कैश, कहाँ कहाँ खप गया कैश, कौन से कैश के कंजप्शन आइटम्स हैं जिनको मैं नॉन कैश बना सकता हूँ। एंड पॉइंट नंबर 24 होता है फंड्स फ्लो, ऑल फंड्स। कई बार होता है यार कंपनी, तुम तो कह रहे हो एडवांस रख दे हो, तुम कह रहे हो कि बहुत प्रॉफिट है, बट यार पैसे हैं कहाँ, बैंक की लिमिट पूरी चल रही हैं, पैसे कहाँ गए। तो कई बार पैसे डेटर्स में अटके हुए होते हैं, कई बार पैसे स्टॉक में अटक रहे होते हैं, कई बार फिक्सेड्स आपने अपनी वर्किंग कैपिटल से खरीद लिया होता है, तो फंड्स फ्लो देखना चाहिए। कई बार मैनेजमेंट अपने लोन ले जाती है, कभी नई गाड़ियाँ खरीद ली, नया प्लॉट खरीद लिया, बिजनेस के लिए खरीदा, बट वो प्लॉट के पैसे वेंडर के फंड्स में से डाइवर्ट हो गए ना, तो वो नहीं होना चाहिए, वेंडर को पैसे टाइम पे दे पाएँ, तो इसके लिए फंड्स फ्लो देखो ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या कर दिया। इसके बाद आता है थर्सडे। थर्सडे हमने दिल मनाया है सेल्स का, आइए सेल्स को डिस्कशन करते हैं कि हमने स्टोर को संभाल लिया, परचेज को संभाल लिया, अकाउंट्स को संभाल लिया, आप दिन आगे पीछे कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो थर्सडे को हमने सोचा कि भाई अब सेल्स का क्या देखें, सेल्स में आओ हम कस्टमर वाइज सेल्स रिपोर्ट देखें, किस कस्टमर की क्या सेल्स जा रही हैं, फिनिश गुड वाइज सेल्स रिपोर्ट देखें, बहुत से फॉर्मेट्स हैं, जौन सा आपको पसंद हो, जौन सा आपको पसंद हो। थर्सडे को ही शेड्यूल वर्सेज एक्चुअल पे डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए। जो पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट रोज सर्कुलेट हो रही है, अब रोज डिस्कस सब लोग तो नहीं कर सकते, डिस्पैच को देखना होगा, प्रोडक्शन को देखना होगा, मैनेजमेंट रोज नहीं डिस्कस कर सकती डिस्पैच रिपोर्ट को। सो शेड्यूल वर्सेज एक्चुअल या ऑर्डर वर्सेज एक्चुअल जो भी आपके यहाँ चलती है, जहाँ OEM कस्टमर्स हैं जैसे मारुति, हुंडई, LG, सैमसंग, ये लोग शेड्यूल देते हैं स्पेशली कंपोनेंट वेंडर्स को, तो वहाँ शेड्यूल वर्सेज एक्चुअल देखा जाता है। जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है इनको आमतौर पर ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर वर्सेज एक्चुअल देखना होता है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वहाँ पर भी ऑर्डर वर्सेज एक्चुअल देखना होता है। जो फॉर्मेट आपको पसंद है उसको आप देखिए। फिर सेल से ही संबंधित होता है FG स्टॉक,
फिनिश गुड स्टॉक। तो फिनिश गुड स्टॉक आपकी फैक्ट्री में, आपके स्टोर्स में कितना है विद वैल्यू देखिए। थर्सडे को आप देखेंगे विद वैल्यू एवरी स्टॉक, एंड प्रेफरेबली चार कॉलम वाली रिपोर्ट हो। इसमें चार कॉलम का मतलब ओपनिंग, आया, गया, क्लोजिंग। तो आप ये देख पाएँ कि भाई मेरे पास कितना एवरी स्टॉक है, तो ये भी थर्सडे डिस्कस होना चाहिए। तो कोई स्टॉक रिक्वायर्ड से कम होगा तो आप अलर्ट रेस कर लेंगे, कोई रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा तो आप अलर्ट रेस करेंगे ना। माइंड कहीं ना कहीं रिपोर्ट देखोगे प्रिंटआउट को या सॉफ्ट कॉपी को प्रोजेक्टर पर लगा के, बड़े टीवी पे लगा के कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग डिस्कस करेंगे तो माइंड चलेगा। मिनिमम लेवल वर्सेस एवरेज स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट, तो कई जगह कस्टमर्स कहते हैं आप 3 दिन का स्टॉक अपने पास रेडी रखना है भाई, तो उस रिपोर्ट को डिस्कस कर लो। फिर नॉन मूविंग स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट का एक और एंगल, तो नॉन मूविंग स्टॉक है तो एजिंग ऑफ स्टॉक या नॉन मूविंग स्टॉक डिफरेंट मॉडल से निकल सकता है फिनसिस से, तो अगेन आपके जो आरएम है वो आपको समझा देंगे। आप फिनसिस के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें भी ये सब शायद होगा, तो दुनिया के सभी सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं, आपने दिल से उन्हें अपनाना है, आपने दिल से मेहनत करनी है। अगर नॉन मूविंग स्टॉक की रिपोर्ट आप नहीं देखेंगे तो क्या सॉफ्टवेयर वाला देखेगा? आप नहीं देखेंगे तो आपका स्टोर वाला भी क्यों देखेगा? वो कहेगा भाई जो है सो है, मैं क्या करूँ, मार्केटिंग वालों की प्रॉब्लम है माल नहीं बिका, प्रोडक्शन वालों की प्रॉब्लम है उन्होंने ज़्यादा बना दिया, मैं तो भैया मेरे तो सिर पे माल पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो यूजलेस है। तो नॉन मूविंग स्टॉक की रिपोर्ट को देखना है और डिस्कस करना है, दैट इज अ खास बात। सी क्लास कस्टमर रिपोर्ट, ये भी देखनी चाहिए। कोई एक वैल्यू बना लीजिए भैया, जो कस्टमर साल में 50,000 का माल, लाख रुपये का माल, 5 लाख का माल, आपकी भाषा में जो सी क्लास है, उसको लॉजिक हो सकता है। तो वो जो हैं वो कौन है, उनको डिस्कस करो। डिस्कस करना, उन्हें बंद करना नहीं है, डिस्कस करना है कि भाई वहाँ जाओ, कॉफ़ी पियो, बात करो कि सर मेरे से क्या कसूर हो गया, जब मैं आपका अप्रूव वेंडर हूँ तो सिर्फ इतना ही क्यों खरीदते हो, बाकी क्यों नहीं खरीदते? अगर हम उन्हें माल नहीं बेचना चाहते तो क्यों नहीं बेचना चाहते? क्या प्रोडक्ट इतना मुश्किल है? क्या करें, उस सी क्लास को बी कैसे बनाएं, सी को ए कैसे बनाएं? हो सकता है हम एक बहुत बड़ी कंपनी, लेट से मान लीजिए जॉनसन एंड जॉनसन, पतंजलि, पार्ले, किसी के वेंडर हैं और वो हमसे कम माल ले रहा है, तो भाई क्या है कि हम, हमारी रिपोर्ट्स में वो कम आ रहा है? तो अगेन इसको देखा जाए, शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल ऊपर देखा आपने, जहाँ पर शेड्यूल आए उसका एक्चुअल देख रहे हो, बट शेड्यूल पूरे हैं फिर भी ये सी क्लास है, क्यों इतना कम क्यों पिकअप कर रहा है मेरे से वो? और फाइनली अगर आपको लगे हाँ हर तरह से ये कस्टमर कंटिन्यूएशन के लायक नहीं है, तो अगेन गर्मजोशी से उससे मिलें और रिग्रेट करें। कौन से आइटम्स लॉस दे रहे हैं, मार्केटिंग वालों से मीटिंग करो ना, कौन से आइटम्स में, कौन से प्रोजेक्ट्स में लॉस है, उसके अंदर भी आपको कोई फ़ायदा होगा, आप डिसीजन बेटर ले पाओगे। ये था जनाब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो बेस्ट MIS रिपोर्ट्स इन फिनसिस ERP लिखे पे आपको मिलता है। अब आते हैं फ्राइडे पे हमने परचेज डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ें ले ली। अब यहाँ पे हमने कहा और डीप जाएंगे, ऊपर हमने बात कर थी कि कौन से पेंडिंग PO हैं, अब चार लेवल पे देख रहे हैं, ये परचेज रिक्वेजिशन बन गए, अप्रूव नहीं हुए, इसको डिस्कस कर। भाई प्रोडक्शन वाले ने रिक्वेस्ट कर दी, मेंटेनेंस वाले ने रिक्वेस्ट कर दी, बट उसके बॉस ने अभी तक अप्रूव नहीं किया, भाई ऐसी क्या बात है, क्यों अप्रूवल नहीं आ रहा? कोई आइटम गलत सोच लिया, आइटम गलत ढूंढ लिया, क्या तकलीफ है तुमको कि तुम अप्रूव नहीं कर रहे? मस्ट बी सम रीज़न। उस बंदे को बताया जाएगा ना कि भाई ये रीज़न है, हम तुम्हारा PO अप्रूव नहीं कर सकते, उसमें ये तकलीफ गलती है। परचेज रिक्विजिशन जो अप्रूव हो गए बट उनका PO नहीं बना, ये भी बढ़िया बात है, अप्रूव हो गए बट उनका PO नहीं बना, तो ये भी तो डिस्कस करने भाई कि PO क्यों नहीं बन पा रहा, वेंडर फाइनल नहीं हो रहा, रेट फाइनल नहीं हो रहा, या माल पहले से था, अगर माल पहले से था इंडेंट बनना ही नहीं था तो यहीं रोक लेते। तो अगेन हम नीचे वाले को एजुकेट करेंगे, भाई एचओडी साहब AC रिपेयर हो सकता है तो AC नया क्यों खरीद रहे हो, ठीक है, ब्लेड के ऊपर धार लगवाई जा सकती है तो ब्लेड नया क्यों खरीद रहे हो? परचेज रिक्विजिशन तब होगी ना जब रिपेयर नहीं हो सकता तो, या रिपेयर कर करके परेशान हो चुके हो तो, या नई चीज़ है तो उसका अप्रूवल, PO का अप्रूवल, फिर PO बनना, PO अप्रूव नहीं हुआ और PO अप्रूव हो गया बट माल नहीं आया, तो इन सब रिपोर्ट्स को हम डिटेल में बात करेंगे फ्राइडे को। डिटेल मतलब
पर आपके पास 50 पन्ने की रिपोर्ट है भाई साहब, एक दो घंटे लग सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। फिर शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल, देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आपने पीओ दे दिया, बल्क पीओ, रेट फाइनल कर लिया रेट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, और क्वांटिटीज एज पर शेड्यूल मंगा रहे हो थोड़ी 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 थोड़ी, कि प्लास्टिक दाना है मोटा मोटा रेट फाइनल हो गया, मैं आपको शेड्यूल देते रहूँगा हर हफ्ते, मंडे ये भेज दो, वेडनेसडे ये भेज दो, फ्राइडे ये भेज दो, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर में होता है। फिर वेंडर रेटिंग्स भी हफ्ते में एक बार तो देखो, कुछ तो वेंडर्स देखो जो बहुत ही बैड रेटिंग में आ रहे हैं उनका क्या करना है, अच्छे रेटिंग में आ रहे हैं उनका क्या करना है, शेयर ऑफ बिजनेस कैसे होना चाहिए डिस्कस करो। परचेज एस्टिमेट रीऑर्डर लेवल आइटम्स का, जो मिनिमम स्टॉक आइटम्स हैं, जैसे मान लो इवन आपकी किचन की आइटम्स और वॉशरूम की आइटम्स और मेंटेनेंस की बहुत सी आइटम्स हैं जो प्रोडक्शन लिंक नहीं होती, वो रीऑर्डर बेस्ड या मिनिमम स्टॉक बेस्ड होती हैं कंजप्शन के हिसाब से, तो इसको देखो, ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं फिनसिस में, इनकी बेसिस पे डिसीजन लो कि हो सकता है इंडेंट ना बनाओ, इंडेंट ना बनाओ तो भी यू हैव टू बी मोर इंटेलिजेंट देन इवन द यूजर, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या काम हो सकता है और उसको आपने टाइम पे मंगाना है। 36वीं रिपोर्ट है डिलीवरी डेट वर्सेस एक्चुअल, कि किस दिन आपने पीओ में उसको रिक्वेस्ट किया था और किस दिन एक्चुअली आया। तो एक तो है नहीं आया, वो पेंडिंग पीओ रिपोर्ट है, एक है आया बट लेट आया, उसके बारे में डिस्कशन करना, डिस्कशन नहीं करोगे तो एक्शन कैसे होगा। ये सब रिपोर्ट्स बनानी नहीं है आपको, ये सारी रिपोर्ट्स फिनसिस में अवेलेबल, बट उसको यूज़ तो करो, वेंडर से बात तो करो। मेरे भाई हर बार लेट करोगे, तुम्हारे दो दिन लेट होने से मेरी शिपमेंट तो दो दिन लेट होती है, मेरे को वहाँ पे मेरी गुडविल ख़राब होती है, मेरी इमेज ख़राब होती है, आप भाई अपना माल टाइम पे दो। रेट कंपैरिजन रिपोर्ट देखिए, अभी तक हमने रेट कंपैरिजन की बात नहीं करी थी, एक रेट कंपैरिजन की रिपोर्ट भी देखनी चाहिए, रेट कंपैरिजन की आइटम वाइज, पार्टी वाइज, कैटेगरी वाइज, एवरेज रेट्स, 12 मंथ ट्रेंड्स, बहुत से ऑप्शंस हैं, उनमें से जौन सी आपको अच्छी लगती है वो यूज़ करो, बट हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को ज़रूर डिस्कस करो। एंड शिपमेंट्स जो रात को लेट आ रही हैं, आमतौर पे काफ़ी फैक्ट्रीज़ में सिस्टम होता जा रहा है कि भाई मैं तो डे शिफ्ट काम करता हूँ, दिन भर में मैं तो मेरे स्टोर्स वाले खाली रहें, वेस्ट हो उनका टाइम, और शाम को जब उनके घर जाने का टाइम हो उस वक्त आप उठा के सारा माल उनके सिर पर डाल दो, अब वो उनको ओवर टाइम करना पड़े, वो भी अपने फैमिली को नहीं जा सकते फैमिली के पास, और जल्दीबाजी में गिनती हो रही है, जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जल्दीबाजी में उसका क्वालिटी हो रही है, और रात को हो सकता है माल इशू भी हो जाए जल्दीबाजी में। तो क्यों ऐसे माल हैं, कितने ऐसे वेंडर्स हैं जो आपके परमिटेड टाइम के बाद आते हैं, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी फ्राइडे को। एंड सैटरडे, सैटरडे आ गया प्रोडक्शन मैनेज करने का दिन, अब हर रोज़ भी कर सकते हो, आपकी प्रायोरिटी है, बट अब हमें काम को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जिस तरह हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम पहुँचे, तो सैटरडे को हम आए, आओ जी सैटरडे को देखें। सैटरडे में आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से देखिए, यहाँ पैकेजिंग प्लांट्स के लिए लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक मोल्डिंग, रबर मोल्डिंग, शीट मेटल के लिए लिखा है, तो हमने कहा भाई पैकेजिंग प्लांट वालों कि आपको फ्राइडे डिस्कस करनी चाहिए DPR हर मशीन की क्या बना, फिर डिस्कस करनी चाहिए कितना लीनियर मीटर आपका माल बना, कितना बनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मशीन की कैपेसिटी हो 1000 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, 300 मीटर पर मिनट, जो भी है, तो क्या एवरेज उतना निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो क्या करें। डाउन टाइम रिपोर्ट के रीजंस का एनालिसिस आज डिटेल में होएगा, पहले हमने एक दिन का डाउन टाइम देखा था, आज हम देखेंगे डाउन टाइम ऑफ द वीक, ऑफ द मंथ, या अक्रॉस मंथ्स, ये कौन सी मशीन का डाउन टाइम बढ़ रहा है, कौन सी मशीन का डाउन टाइम घट रहा है। रीजन, वेस्टेज रिपोर्ट विद रीजंस, कि अगेन मंथ बेसिस पे, ईयर बेसिस पे, किस वजह से रीजन हमारा, कौन से रीजंस अब घटने शुरू हो गए, उनका अब क्या करना है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि भाई संडे को प्रोडक्शन वालों को बिठाकर हम बात कर रहे हैं कि भाई मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग तुम्हारी क्या है एज पर ERP, कितनी इस महीने के बैलेंस के लिए मुझे चाहिए और अगले महीने के लिए क्या चाहिए, उसकी प्लानिंग हो गई क्या, ताकि अकॉर्डिंगली शेड्यूल दे सकें हम वेंडर्स को। जॉब कार्ड्स कितने फ्लोट कर रहे हैं प्रोडक्शन फ्लोर पे, देखिए इस टाइम सारी बातें कर रहा हूँ पैकेजिंग प्लांट्स की, तो
जॉब कार्ड्स कितने फ्लोट कर रहे हैं? बिना जॉब कार्ड के प्रोडक्शन आमतौर पर नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। कई क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ सुनते नहीं है, एक्सेल में ही जॉब कार्ड बनाने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे इस एरिया को कम कर देते हैं। तो आप कभी जान पाएंगे कि कितने जॉब कार्ड फ्लोर पे हैं? एक्सेल में तो कभी नहीं जान पाएंगे ना। तो सिस्टम आपको यहाँ अलर्ट कर रहा है, भाई इतने जॉब कार्ड्स फ्लोर पे फ्लोट कर रहे हैं, इन पे कुछ करिए। तो 10 एक माल बनाने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगना चाहिए, मान लो सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो भी 3 दिन में हो गया। मुश्किल में मुश्किल बुक है मान लीजिए 5 दिन 6 दिन 8 दिन में हो गई कमर्शियल प्रिंटिंग में, और कॉरुगेटेड बॉक्सेस हैं या लेमिनेट्स हैं वो तो 1-1 दिन में निकल ही जाते हैं। तो 10-10 दिन हो गए, वो माल बाहर क्यों नहीं निकल रहा? क्यों ये जॉब कार्ड अटका हुआ है? शिपमेंट लेट हो जाएगी। जॉब कार्ड ओपन है बट शेड्यूल नहीं हुआ। देखिए उसका फर्दर एक चाइल्ड पार्ट आ गया कि जॉब कार्ड बनाया तो था बट उसको किसी मशीन पर लोड ही नहीं किया, तो पेंडिंग तो रहना ही है। यानी कि यहाँ पे शेड्यूलर वाले से मीटिंग होनी है जो पीपीसी मशीनों को शेड्यूल करता है। भाई तुम प्लानिंग शेड्यूल क्यों नहीं कर रहे हो? फिर जॉब कार्ड्स जिनमें एक्सेस लॉस हो रहा है इनको भी एक बार हमें डिस्कस करना चाहिए। आइए पिछले एक हफ्ते के जॉब कार्ड्स देखें, जिन जॉब कार्ड्स में जितना कागज लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया, जितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया, वो भी इस वजह से कि अप्स गलत थे या पेपर एलोकेशन गलत थी। टनेज रिपोर्ट को रिव्यू करो, आउटपुट रिपोर्ट स्क्वायर मीटर्स या टन्स के बेस पर डिस्कस करो, थ्योरेटिकल कंजप्शन वर्सेस एक्चुअल बैकफ्लश रिपोर्ट्स को देखो। तो हफ्ते में एक बार, और कह दो कि भाई अगले सैटरडे हम फिर यही सब डिस्कस करने वाले हैं, भैया तैयार हो जाओ, तो बाकी सारे टीम मेंबर्स इन चीज़ों को रोज देखने लगेंगे। यही तो चाहिए, यही तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है हमको। और मान लीजिए आप पैकेजिंग की जगह, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में है, प्लास्टिक मोल्डिंग, रबर मोल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, शीट मेटल कंपोनेंट्स, कुछ और भी बनाते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम याद कर रहे हैं कि DPR तो देखो, डाउन टाइम वेस्टेज देखो, मेटल रिक्वायरमेंट देखो, बैकफ्लश देखो, या आपके मॉड्यूल में जो भी पुनीत सर ने और बाकी टीम मेंबर्स ने बेस्ट से बेस्ट आपको सॉल्यूशंस दिए हैं, उसमें से जो आपको अच्छी लगे रिपोर्ट्स उनमें से कुछ रिपोर्ट्स को डिस्कस करो। तो आपको इन सब के बारे में कोई भी और सलाह चाहिए हो, कोई क्वेरी हो, डिस्कशन हो, ज़रूर हमसे बात करिए। तो हमारा ये सबमिशन आपसे रहेगा कि देखिए ना कि हर चीज़ में सॉफ्टवेयर के चेंजेस मत आस्क करिए। कई बार प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि इन रिपोर्ट्स को देखने के बदले एयरपोर्ट्स देखते ही यार इसमें ना एक चेंज कर दोगे, चेंज करोगे तो मैं देखूंगा, नॉट डन। उससे ना फोकस क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटेंडेड पर्पस है उसकी जगह काइजन में चले जाएंगे और फॉलोअप शुरू हो जाएगा कि रिपोर्ट चेंज करो, नहीं करनी हमें रिपोर्ट चेंज। अगर जेन्युइन है तो करेंगे, बट सिर्फ चेंज करने के लिए चेंज करना और ये रिपोर्टिंग के सिस्टम को बंद कर देना वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आइए जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एन्जॉय करें, जो बेनिफिट्स हैं उन्हें एन्जॉय करें। ये ना कहें कि सूरज इधर से क्यों उगता है, उधर क्यों डूबता है, नॉर्थ से साउथ क्यों नहीं होता, भैया जैसा है एन्जॉय कर ले भाई। फिनसिस लगातार रिवोल्यूशन कर रहा है, फिनसिस लगातार कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है। इन वीडियोज़ की मदद से, इन वेबसाइट्स की मदद से हम लगातार आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या फ़ायदा है, कैसे करो, क्या करो, क्या अच्छा करो, क्या ना करो। तो फ्रेंड्स मेरी आप सबसे दरख्वास्त, गुजारिश, कोशिश कि आप इन बेस्ट MIS रिपोर्ट्स और डेली MIS रिपोर्ट्स के अंदर जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं डिफरेंट लॉजिक्स से, आप इनको देखें, समझें, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। लेट्स मेक अ स्ट्रॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अ स्ट्रॉन्गर कंट्री, वेदर यू आर इन इंडिया, नेपाल, सऊदी अरेबिया, UAE, कंट्रीज ऑफ यूरोप और US, वेयर एवर वी हैव रीच्ड, वेदर यू आर फ्रॉम जम्मू to Jamnagar, Assam to Angola, Punjab to Pondicherry. Let's make your business better. Let's make our business better. Seeing the MIS reports is the duty of the management and the team of the management. If you need to have all your people working together cohesively, use the reports which we are trying to submit to you. Make your life better in this way. बट जब तक इन्हें आप रेगुलरली यूज नहीं करोगे तो आपको क्या पता और किसी को क्या पता। अभी रिपोर्ट्स के नाम देख देख कर आपको समझ आ जाएगा, हाँ यार अगर ये हो गया तो क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर ये हो गया तो क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। जो मैं बोल रहा हूँ इस सब को हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाल रखा है और वेबसाइट में इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लाइव देख सकते हैं
समझ सकते हैं और अपनी टीम को यूज़ करवा सकते हैं। और जब आपको लगे कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी डिटेल ट्रेनिंग मुझे फिर से चाहिए, सपोज़ मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं पता कि भाई एयरपोर्ट निकालते कहाँ से, तो उसको आप हमारी टीम से समझ सकते हैं, हमारी टीम से समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट भाई निकलती कैसे है, मेरे को एक बार सिखा दो। तो वैसे आती सबको है, आपकी टीम को आती है। ये बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट्स हैं ईआरपी के, जो हर एक को इम्प्लीमेंटेशन में हमने समझा रखे हैं। देखिए अब आप उसके लिए, इसके लिए आपको करना क्या है, आपने अपने गूगल पे या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर जाइए और सिंपली सर्च करिए बेस्ट MIS रिपोर्ट्स इन फिनसिस ईआरपी। खचास फिनसिस आपको, गूगल आपको अपने आप ही निकाल देगा। तो हमने सेलेक्टेड मेन्यू बना रखा है, भाई ये चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। तो लेटर से हमने इनमें से एक को क्लिक कर लिया और सिस्टम खट मेरे को बता रहा है कि भाई आप किस इंडस्ट्री के हैं, उस इंडस्ट्री के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रिपोर्ट्स कौन सी हैं, कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिन्हें आपको अपनी मैनेजमेंट मीटिंग्स में रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम थोड़ी इस JW Marriott। Thank you.